आगरा मंडल के सभी कर्मचारी, चाहे किसी वर्ग में हो, क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री वर्ग में हो, भारत सरकार की LIC में IPO की लाने के विरोध में एक घंटे का बहिष्कार कर रहे हैं। ये अभी केवल हमारे संघर्ष की शुरुआत है। हम IPO का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि LIC की स्थापना भारतीय समाज की सुरक्षा की दृष्टि से हुई थी, परंतु अब सरकार लगातार इस समय LIC केवल भारत का ही नहीं, पूरे एशिया का सबसे सुदृढ़ और सबसे पावरफुल वित्तीय संस्थान है। इसका विनिवेश करना का मतलब है कि सरकार जो सामाजिक सुरक्षा का जो उसने मार्ग चुना था उससे दूर जा रही है। आज के माध्यम कार्यक्रम से हम सरकार को यह सचेत दे रहे हैं कि जो LIC में IPO का जो बजट में प्रस्ताव किया उसको अविलंब वापस करें। हम बीमा कर्मी आखिरी क्षण तक उसके विरोध करेंगे। गवर्नमेंट द्वारा जो LIC का IPO लाया गया है, हम इसका विरोध करते हैं। और गवर्नमेंट जो धीरे धीरे देश को खोखला करने में लगी हुई है, इस तरह के क्रियाकलापों से हम इसका आज विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और हम जो हमने अपने खून पसीने से जो इस कंपनी को खड़ा किया है 56 से आज तक, हम इसको कभी भी इसको बिकने नहीं देंगे, इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे। ये हमारा संकल्प है और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। जो आज की हड़ताल है उसका मुख्य विरोध है हमारा LIC को निजीकरण करने की दिशा में जो गवर्नमेंट बढ़ रही है, और उसके लिए IPO जो ला रही है उसका हमारा विरोध है। क्योंकि इस गवर्नमेंट ने जब जब हमसे पैसा मांगा है हमने इनको दिया है। अभी हमने रेलवे के लिए 1,50,000 करोड़ दिया है, अभी हमने IDBI बैंक को खरीदा है। इसकी नीति इस तरह की है कि जिस तरह से BSNL वगैरह को ख़त्म किया है, उसी तरह से ये लोग LIC को ख़त्म करना चाहते हैं। उसके विरोध में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं, अगर नहीं सुनी जाती है अगर आवाज़ नहीं सुनी जाती है फिर क्या करेंगे? अगर अभी आज हमारा एक घंटे का धरना प्रदर्शन है, इसके बाद हड़ताल होगी, उसके बाद कलमबंद हड़ताल होगी, और इन लोगों को सुनने के लिए हम लोग बाध्य करेंगे। ये विनिवेशीकरण के लिए पहली स्टेज में जो निजीकरण का प्रयास कर रही है सरकार, हम सभी लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और ये जो पहला प्रयास कर रही है सरकार, हम इसके लिए बिल्कुल विफल करने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये हड़ताल कामयाब हो और इनको केंद्र सरकार को ये IPO वापस लेना पड़े। और हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इस सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में। जो LIC के अंदर IPO लाया गया है वो पूरी तरह से न केवल LIC के लिए घातक है, बल्कि इस देश की जनता के लिए भी बहुत नुकसानदेह है, जिससे मतलब उनका पैसा भी बिजनेस पे असर पड़ेगा इसका, और ये LIC का बिजनेस भी आएगा। हम लोग सरकार के हमेशा सपोर्टर रहे हैं और सरकार की आर्थिक नीतियों में हमेशा आर्थिक रूप से सहयोग करते रहे हैं, लेकिन उसके बाद में ये इन्होंने ये IPO ला करके LIC के फेवर में बड़ा घातक प्रयास किया है इनका। इससे न केवल LIC के कर्मी अधिकारी बल्कि देश की जनता भी इसके विरोध में है। व्यापारी मजदूर छात्र एकता, व्यापारी मजदूर छात्र एकता, बोल मजदूर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, महिला साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे महिला साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, रे पियो पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, रे पियो पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, रे जोर से हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, रे पियो पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल मजदूर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल।